जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इजराइल ने भारत से 10,000 ड्रोन खरीदे, सालाना 1,000 ड्रोन भारत इजराइल को देगा। और पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत की टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, इतनी तरक्की कर लिया कि इजराइल भी दीवाना हो चुका है। दुनिया में सबसे आधुनिक तकनीक इजराइल के पास थी, लेकिन आज वो भी भारत की तकनीक का दीवाना है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। हवा में उड़ान भरते इस ड्रोन ने भारत की ड्रोन शक्ति को नई उड़ान दी है, जिसका सबसे ताजा प्रमाण ये तस्वीरें हैं। तकनीक की दुनिया का शहंशाह इजराइल, जिसने सूरत की कंपनी के साथ 10 साल तक सालाना 1,000 ड्रोन खरीदने का करार किया है, यानी 10 साल में कुल 10,000 ड्रोन। आकाशी ड्रोन, ये जो आप देखेंगे तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी ड्रोन को इजराइल की कंपनी भारत से खरीदेगी आगे। देखिए, ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं कि मोदी की एक अफिनिटी है नेतन्याहू के साथ, और बहुत क्लोजली इजराइल और इंडिया जो है काफ़ी अरसे से जॉइंट ऑपरेशंस कर रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने अपनी आर्मी के भी जॉइंट ऑपरेशन ट्रेनिंग की है, आर्म फोर्सेस की। क्योंकि उनकी GDP देख लें, उनके हाँ आप टेक्नोलॉजी में जो तरक्की हुई है वो देख लें। ये टेक्नोलॉजी को जब आप अपने हाथ में ले लेते हैं ना, तो फिर तो आप दुनिया पे हुकूमत शुरू कर देते हैं, जो कि पूरी दुनिया में एक इंतहाई यूनिक किस्म की इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि इंडिया जो है वो इजराइल के और मुस्लिम वर्ल्ड के जो करीब हो रहा है। मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया पे प्रमोट किया हमारे वजीर आजम। हम चोर हैं, तो हमने एज अ चोर अपनी पब्लिसिटी की, उन्होंने एज अ ब्रांड पब्लिसिटी की, तो फर्क तो पब्लिसिटी में है ना, हमारा स्टैंडर्ड उनके स्टैंडर्ड में फर्क यही है। देखिए पाकिस्तान का फिलहाल देखिए जो ग्राउंड रियलिटी है, पाकिस्तान का इंडिया के साथ बिल्कुल भी मुकाबला नहीं है किसी भी तौर पे। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका हुआ है। ऐसा यहाँ पे कई लोग फॉरेन ऑफिस में चीमा साहब ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि there is a new order emerging and the world is up for grabs. अब वो clear lines नहीं रह गई जैसे कि अमेरिका एक है या चीन का एक ब्लॉक है, ऐसा नहीं है। तो इसमें इंडिया एक्टिव है काफी टाइम से, और इंडिया की गुडविल बहुत है, चाइना की गुडविल नहीं है। चाइना के पास पैसा हमसे बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है चीमा साहब, पर चाइना की गुडविल नहीं है किसी के साथ। चाइना का ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप है, हम ये पैसा देंगे तुम ये कर लो, हम ये पैसा देंगे ये कर लो, हमारा ऐसा नहीं है। हमारा ये तुम पैसा भी ले लो हमसे, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं, पर जितने ले लो हम तुमसे कुछ करवा भी नहीं रहे। So what we have done is China has bought land, we have bought goodwill. अफगानिस्तान में देखिए हमारी गुडविल है, श्रीलंका में हमारी गुडविल है, ऐसे कई छोटे बड़े मुल्क हैं जहाँ पे हमारी गुडविल बहुत ज्यादा है। अगर आप किसी आम बंदे से पूछें उस मुल्क में कि आप भारत के बारे में क्या समझते हैं एज अ कंट्री, प्रोजेक्शन ऑफ सॉफ्ट पावर, ये बहुत जबरदस्त है। अब आपने बोला इसराइल, आपने वो हाइफा पोर्ट की स्टोरी तो आपने पढ़ी होगी, अदानी साहब ने वो पोर्ट खरीद लिया, वहाँ पे सिक्स फ्लीट इज देयर एट हाइफा एंड इट्स अ स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं, यू नो बेटर देन मी चीमा साहब, आप फॉलो करते हैं चीजें। चीमा साहब बात यह है कि इसमें एक OIC का मुद्दा तो है, इसमें एक एनर्जी सिक्योरिटी का भी मुद्दा है, और इसमें यह भी मुद्दा है कि जो अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके, जो कि काफी टर्बोचार्ज हुई थी जब मोदी जी ने वो पैंडेमिक के दौरान ये सारे मुल्कों को भेजी थी, जब वैक्सीनेशन भेजा था, वैक्सीन भेजी थी, उस जमाने काफी गुडविल जो हम लोगों ने बोली थी, उसको एक नेक्स्ट स्टेप में ले जाने के लिए किस तरीके से भारत इनरोड्स करेगा मिडल ईस्ट के मार्केट में, UAE के मार्केट में किस तरीके से इनरोड्स करेगा, इसराइल की खासतौर से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, चाहे वो वेपन्स की हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हो, किसी भी तरीके की। इसराइल यू नो मैक्सिमम नंबर ऑफ PhDs इन द वर्ल्ड, आपको बेहतर पता है मुझसे, एंड द काइंड ऑफ रिसर्च दैट दे आर डूइंग। सो इन सब के एक ऑल्टरनेट पावर स्ट्रक्चर, मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड में आगे चल के देयर विल बी सेवरल पावर स्ट्रक्चर्स, नॉट जस्ट वन और टू। एक जमाने में कहते थे कि सिर्फ US और USSR है, फिर बाद में काफी सालों तक सिर्फ US रहा, फिर बाद में 80s 90s के बाद चाइना उभर कर आ गया। अब मुझे लग रहा है कि द ग्राउंड इज ओपन फॉर मोर एंड मोर अलाइनमेंट्स इन द वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसको हम कह भी सकते हैं एक तरीके से। तो मुझे लगता है इसमें इंडिया इज वेरी कीन टू प्ले इट्स पार्ट, और इंडिया मुस्लिम कंट्रीज को, जहां तक आपने बात करी कश्मीर का मामला OIC को उठाने का, वो भी एक बात तो है, इससे हम इनकार तो नहीं कर सकते चीमा साहब की, ये बात नहीं है, बिल्कुल ये बात है। और जिस तरीके से इंडिया चाहता है कि जो कश्मीर का मुद्दा है, जो पाकिस्तान के पास एक ट्रंप कार्ड था कि हम भी मुसलमान मुल्क हैं और आपको कश्मीरियों का इसलिए साथ देना चाहिए क्योंकि वो भी मुसलमान है, ये पाकिस्तान का मौकफ रहा है काफी समय से। और पाकिस्तान ने इंडिया को कई दहाइयों तक, कई दशकों तक
अलग करके रखा था, आइसोलेट करके रखा था, सक्सेसफुली डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करके रखा था। जब इंडिया की इकोनॉमी ऊपर बढ़ी और एक लेवल पे पहुंची, फिर इंडिया ने बोला कि व्हाई टॉक द लैंग्वेज ऑफ रिलीजन, टॉक द लैंग्वेज ऑफ डॉलर्स दैट एवरीबॉडी स्पीक्स। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, डॉलर के सामने तो सब झुकते हैं, तो लेट अस स्पीक दैट लैंग्वेज। एंड उनको भी बात समझ में, अरबों को ये सब चीजें ज्यादा जल्दी समझ में आती हैं, दे आर वेरी क्विक इन दैट रिगार्ड। सो दैट इज व्हाट इंडिया इज डूइंग, लेवरेजिंग इट्स वास्ट मार्केट पोटेंशियल, leveraging its buying power, leveraging not just Chima sahab, jo India ka labor jata hai, but UAE ki bahut sari aisi companies hai Chima sahab, jiske CEOs aur jiske jo managing directors hain wo Indians hain, leveraging that sort of power and leveraging our diplomacy, jis tarike se Modi ji ko haathon haath liya jata hai aur सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है, सबसे बड़ा उनको रिकॉग्निशन दिया जाता है उस मुल्क का, ये सब चीजें रिकॉग्नाइज करके एक और अलाइनमेंट बनाने की कोशिश की गई, और इसमें अमेरिका भी काफी हद तक ऑन बोर्ड है। चीमा सर बिल्कुल ठीक है। अच्छा मेरे साहब, एक वक्त था जब पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा नैरेटिव था कि जो इंडिया है और इसराइल जो है ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर जो है वो हमला करना चाहता है। मैं इसमें जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो हमारे दिमागों में ये चीज़ डाली गई कि भाई इसराइल के जहाज इंडिया आ गए और इसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्टिंग भी हुई। तो आप क्या समझते हैं इंडिया और इसराइल का डिफेंस कोऑपरेशन किस हद तक है? क्या कोई इंडिया इसराइल की कोई इस तरह की जो बायलैटरल डिफेंस मैकेनिज्म है टू टारगेट अदर कंट्रीज, या कि ये एक आप समझते हैं कि बायलैटरल लेवल पे है? चीमा साहब, आई डोंट थिंक, मुझे ऐसा नहीं लगता कि टू टारगेट अदर कंट्रीज है, लेकिन इंडिया और इसराइल की जो डिप्लोमेसी है वो इतनी एक दूसरे के साथ घुली मिली है और इतने ये ओपन फोरम में मैं वो बात नहीं कहना चाहूँगा, बट मैंने अपनी आंखों से देखा है, व्हाट आई हैव सीन विद माय ओन आईज, सो आई हैव सीन किस तरीके से इसराइल इंडिया में और इंडिया इसराइल में एक दूसरे के डिफेंस के अंदर बिल्कुल शामिल हैं, दे आर ट्रस्टेड, दे वॉक इन टू सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस बोथ इन तेल अवीव एंड इन न्यू दिल्ली, दे वॉक इन टू सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये नहीं पता कि कोई इनका है कि टारगेट अ थर्ड कंट्री, ऐसा कुछ है ये मेरी नज़र से नहीं गुजरा है, लेकिन मुझे ऐसी बड़ी स्ट्रांग फीलिंग है क्योंकि मैंने कुछ डिस्कशंस का जो ऐसी थिंक टैंक्स के डिस्कशंस हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए इसराइल हैज़ बीन हेल्पिंग अस इन वॉर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये बात सच है, Israel has been helping us in war for a very long time. Kargil mein jo humne laser guided bombs use kare the wo Israel ke the, wo Israel ki technology thi. Jo Balakot mein use kare the Spice 2000 wo Israel ka tha. 1971 war mein Israel ki technology thi. To aisi Israel ne har samay Bharat ki madad kari aur Bharat bhi Israel ke sath, ab Bharat bhi now India is also in a position to help, so India is also helping Israel. To inka आई थिंक जो इंडिया इसराइल पार्टनरशिप है ना चीमा साहब, वो मुझे नहीं लगता कि इंडिया की एक जमाने में 60s, 70s या अर्ली 80s में सोवियत यूनियन के साथ ऐसी थी जैसी आज की तारीख में इंडिया और इसराइल की, दैट लेवल ऑफ पार्टनरशिप वेयर देयर इज सो मच फेथ एंड देयर इज सो मच ऑफ फ्रेंडशिप दैट टारगेटिंग अ थर्ड कंट्री, इसके ऊपर कोई डील है मुझे नहीं पता, बट पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है, ये क्लोजनेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अच्छा मैं सर ये बताइएगा, ये जो अभी इंडिया और इजराइल का डिफेंस कोऑपरेशन है, इसमें वेयर डज चाइना फॉल इन, चाइना को कहाँ पे रखते हैं? और क्योंकि रिसेंटली जो HP हेरोन ड्रोन्स हैं इंडिया ने इजराइल से लिए थे और खरीदे भी थे, आई थिंक उनकी कैटेगरी 3 या 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन उस पर भी काम हुआ है, तो इंडिया इजराइल का डिफेंस कोऑपरेशन कैसा है? और इसमें जरा कीपिंग इन माइंड चाइना जरा हमें बताएं, क्योंकि वो जो आप बात कर रहे हैं माजी में, तो जारी बात है अगर 71 की बात की जाए तो पाकिस्तान है, लेकिन अभी तो यू हैव अ न्यू एडवर्सरी, तो उस सेंस में इंडिया और इसराइल का जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो कहाँ पे है, किस लेवल पे है? ये जो आपने हेरोन ड्रोन्स की बात करी है चीमा साहब, ये तो नए वाले ले रहे हैं, पुराने वाले हेरोन ड्रोन्स हमारे पास हैं काफी टाइम से, मैं खुद देख चुका हूँ, मैं आई हैव फिल्म्ड इट, अगर आप मेरा टीवी सीरीज देखें पेट्रियट, तो उसमें मैंने 3 साल पहले शूट कर रखा है पूरा एपिसोड उनके साथ, तो आई हैव शॉट दैट एपिसोड, आई हैव सीन देम, आई हैव स्पोकन टू पीपल, सो इजरायली टेक्नोलॉजी इन इंडिया इज नॉट न्यू। दूसरी चीज ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि इसराइल
सी जंग में हेल्प करने की बड़े सारे तरीके होते हैं, राइट? हम कभी ये नहीं चाह रहे कि इजरायली ट्रूप्स आ जाएं और हमारे साथ मिलके चाइना के साथ हम खुद सक्षम है, हम निपट लेंगे। बट जो इसराइल की टेक्नोलॉजी है जो इंडिया को चाहिए, वो इसराइल हमें फ्रीली सप्लाई करता है, हम फ्रीली खरीदते हैं उससे, और फ्रीली हमें टेक्नोलॉजी शेयर करी जाती है हमारे साथ। एक तो है कि आपने सामान बेच दिया, रिटेल कर दिया सामान, एक ये है कि टेक्नोलॉजी ओपनली शेयर करना। जो टेक्नोलॉजी है वो इसराइल ने इंडिया के साथ शेयर करी है और इंडिया भी खरीद रहा है। हमारे जो